वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। तो देखिए, आज एक और न्यू एक्सरसाइज आपके लिए लेकर आए हैं। इसके सारे बेसिक टूल्स हमने यूज किए हैं, तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हर बार की तरह आपको इसका ड्राइंग लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देखकर इस ड्राइंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका ड्राइंग बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये हमारा ड्राइंग है जिसमें हमने आइसोमेट्रिक व्यू में ही इसके सारे डायमेंशन अप्लाई कर दिए हैं। ये सारे डायमेंशन देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं, ऑल द डायमेंशंस आर इन इंचेस। ये सारे इंचेस में हमने अप्लाई किए हैं, बट यहाँ पर जो ड्राइंग में हमने चैम्फर अप्लाई की है वो डायमेंशन mm साइज में यहाँ पे शो हो रही है। तो देखिए, इस तरह से आप इस ड्राइंग को देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपको पता चलेगा किस तरह से ये हमने एक्सरसाइज क्रिएट की है। तो चलिए इस एक्सरसाइज को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने न्यू पार्ट क्रिएट कर लिया है। तो सबसे पहले आपको इसके यूनिट चेंज करने हैं, IPS इंचेस में यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और स्केच में आपको सर्कल टूल एक्टिवेट करना है। फिर यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है, फिर यहाँ पर एक और सर्कल ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर इसके डायमेंशन अप्लाई करेंगे, तो जो बड़ा वाला डायमीटर है सर्कल है उसकी साइज रहेगी 2.25 इंच, और जो स्मॉल वाला सर्कल है उसकी साइज रहेगी 0.75 इंच। अब यहां पर आपको एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहां पर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है आपको। रेक्टेंगल की साइज हमें अप्लाई करनी है 0.38 इंच, क्योंकि इसके सारे डायमेंशन हमने इंचेस में यहाँ पे यूनिट चेंज किया है। अब हमें यहाँ पर तीनों लाइन को सिलेक्ट कर देना है। या इस तरह से वन बाय वन लाइन सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर सिमेट्रिक कर देना है। अब हमें यहाँ पे ट्रिम टूल एक्टिवेट करना है, फिर यहाँ पर अननेसेसरी लाइन को ट्रिम कर देना है। अब इसकी गैप 0.38। फीचर टैब में जाना है आपको, फिर यहां पर एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। एक्सट्रूड बॉस में देखिए ब्लाइंड कंडीशन यहां पर 1 इंच, और फिर ओके कर देना है। अब यहां पर चैम्फर अप्लाई करेंगे। चैम्फर में देखिए यहां पर आपको क्या करना है, 10 डिवाइड बाय 5.4, और फिर यहां पर इस एज को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है, यानी कि 10 mm यहां पर हमने चैम्फर अप्लाई की है। अब आपको बैक फेस सिलेक्ट करनी है, फिर यहां पर स्केच, तो यहां पर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, कॉर्नर रेक्टेंगल, और इसकी साइज अप्लाई करनी है 2 इंच बाय, यहां पर इसकी साइज रहेगी 4 इंच। अब हमें इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहां पर इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, फिर हॉरिजॉन्टल कर देना है। अब फिर से इस लाइन को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और कोइंसिडेंट इसका रिलेशन कोइंसिडेंट कर देंगे। फिर यहां पर इस सर्कल को सिलेक्ट करना है, कन्वर्ट एंटिटी करना है। ट्रिम टूल एक्टिवेट करेंगे
पावर ट्रिम की मदद से इसे ट्रिम कर देना है। और ओके करना है, फिर यहां पर इसे फुली डिफाइन कर देंगे। हमारी जो साइज है ये 4 इंच रहेगी, इसे हम इरेज कर देते हैं। अब फीचर टैब में जाएंगे, एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करेंगे यहां पर रिवर्स साइड में 0.75 इंच और ओके करना है। अब यहां पर टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे, फिर यहां पर स्केच ड्रॉ करना है। तो यहां पर देखिए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर यहां पर बैक कर्सर को बैक ले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह से एक स्केच ड्रॉ करना है। अब इसकी लेंथ रहेगी 2.15 इंच रहेगी इसकी लेंथ। फिर यहां पर इस लाइन से इसका डिस्टेंस 0.25 इंच। अब यहां पर इसकी रेडियस 0.65 इंच। और सिंपली इसे एग्जिट कर देना है। अब यहां पर इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहां पर स्केच ड्रॉ करना है। यहां पर एक कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। अब यहां पर इसकी हाइट रहेगी 1.5 इंच और यहां पर इसकी लेंथ 0.60। अब सिंपली आपको इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहां पर इस लाइन को सिलेक्ट करना है और पियर्स कर देना है, एग्जिट करना है। अब हमें यहां पर फीचर टैब में जाके स्विफ्ट कट अप्लाई करना है। स्विफ्ट कट में सबसे पहले प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है और यहां पर पाथ सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। देखिए इस तरह से ये स्विफ्ट कट यहां पर अप्लाई हो गया है। फेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच। अब यहां पर सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन टूल एक्टिवेट करना है। फिर से बैक साइड में जाएंगे और यहां पर आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका डिस्टेंस 0.5 इंच। तीनों लाइन को सिलेक्ट करना है और यहां पर सिमेट्रिक कर देना है। फिर यहां पर इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस 1.25 इंच। ऑफसेट एंटिटी एक्टिवेट करेंगे और यहां पर 0.25 इंच इस लाइन को सिलेक्ट करना है और ओके करना है। अब यहां पर इस लाइन को क्लोज कर देंगे। देखिए इस तरह से ये स्केच हमारा क्रिएट हो गया है। फीचर टैब में जाएंगे, एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। अब यहां पर हमें 0.125 इंच अप्लाई करना है और फिर ओके कर देना है। फेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच। अब यहां पर कन्वर्ट एंटिटी करना है। फीचर टैब में एक्सट्रूड कट अप्लाई कर देंगे, अप टू नेक्स्ट और फिर ओके करना है। देखिए इस तरह से यहां पर हमारा कुछ ये कंपोनेंट इस तरह से दिखेगा। अब हमें यहां पर प्लेन सिलेक्ट करना है, तो यहां पर इस फेस को सिलेक्ट करेंगे,
फिर यहाँ पर इसे फ्लिप ऑफसेट, और इसकी साइज रहेगी 0.375 इंच, और फिर ओके कर देंगे। इस प्लेन को सिलेक्ट करना है स्केच। अब आपको यहाँ पर एक स्केच ड्रॉ करना है। इस प्लेन को हाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करना है, इस तरह से दो सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करेंगे 1 इंच, और यहाँ पर इसकी साइज रहेगी 0.44। लाइन टूल एक्टिवेट करना है और यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। मिरर एंटिटी इस लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है। मिरर हो जाएगा यहाँ पर, इस लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर इस सर्कल को यहाँ पर देखिए टेंजेंट कर देना है। अब यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इस लाइन से इसका डिस्टेंस रहेगा 2 इंच। फिर इस लाइन से इसका डिस्टेंस 1 इंच, और यहाँ से इसकी हाइट 0.75 इंच। देखिए इस तरह से यहां पर, फिर यहां पर लाइन को एक्टिवेट करना है और इसे क्लोज कर देना है। अब आपको फीचर टैब में जाना है और एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। तो यहां पर सिलेक्ट काउंटर, सिलेक्ट काउंटर में आपको क्या करना है, यहां पर इस वाली फेस को और इसे इस नीचे वाले स्केच को सिलेक्ट करना है। मिड प्लेन, मिड प्लेन आपको अप्लाई करना है या सिलेक्ट करना है। 0.5 इंच इसकी साइज अप्लाई करनी है और ओके करना है। अब फिर से यहाँ पर जो स्केच है इसे शो कर देंगे। अब इस बार एक्सट्रूड बॉस में आपको इस सर्कल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट काउंटर सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर अंदर वाले दोनों, इन दोनों सर्कल को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ब्लाइंड कंडीशन रखेंगे। ब्लाइंड कंडीशन में यहाँ पर वन साइड 0.375, देखिए इस तरह से बैक साइड में ये रहेगा। और डायरेक्शन टू में आपको ब्लाइंड कंडीशन अप्लाई करनी है 0.938 इंच, और फिर ओके करना है। स्केच को हाइड कर देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है। फिर यहाँ पर चैम्फर एक्टिवेट करेंगे। चैम्फर में देखिए यहाँ पे इसमें 10 mm हमने अप्लाई करना है, तो वही साइज यहाँ पे रहेगी। और इस एज को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर इस एज को सिलेक्ट करेंगे, फिर ओके कर देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा कंपोनेंट यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो हम इसका कलर अप्लाई कर देते हैं। तो एडिट अपीयरेंस में जाना है, फिर हम यहाँ पर इसका कलर अप्लाई कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज 24 यहाँ पर क्रिएट कर दिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह के कंपोनेंट और प्रोजेक्ट के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching.